अरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा देखा जाए तो शुभाशुभ भाव दोनों ही कैसे है, पर भाव है। पर भाव है, इसका अर्थ ये हुआ कि वे आत्मा को सुखी करने में समर्थ नहीं है, हमेशा साथ कि अशुभ भाव तो जीव को सुखी कर ही नहीं सकता है, लेकिन शुभ भाव भी जीव को सुखी करने में समर्थ नहीं है। नहीं, शुभाशुभ भावों के अभाव का नाम वीतराग का है। यद्यपि वीतरागता के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में वो शुभ भाव सहचारी होता है, साथ साथ चलता है, लेकिन वो शुभ भाव का नाम मोक्ष मार्ग नहीं। माने जैसे कोई हमारा मामा और मामा के कोई मित्र हो तो वो भी क्या कहलाते हैं, मामा कहलाने लगते, लेकिन वो साथ चलने से वो मामा कहलाते तो है लेकिन मामा हो जाते हैं। कि मामा क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वो माने मामा के साथ, और यदि वही व्यक्ति मामा के साथ ना हो तो मामा कहलाए। जैसे अन्य कोई सामान्य व्यक्ति है ऐसे ही वो भी व्यक्ति है, लेकिन मामा के साथ है तो मामा इस संज्ञा को प्राप्त होते। इसी तरह कि जो भाव, जो शुभ परिणाम वो वीतराग भाव के सहचारी होते हैं, कि उन्हें कदाचित मोक्ष मार्ग कहा जाता है, लेकिन ये वीतरागता तो उत्पन्न नहीं और वो शुभ भाव हो तो मोक्ष मार्ग भी नाम नहीं पाते। अरे वो शुभ भाव भी मोक्ष मार्ग नाम कब पाते हैं, निर्बंध का कारण है, बंध का कारण है। टोटल मर्जी साहब ने इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट किया कि वो निमित्त भी कब कहलाते हैं, माने व्यवहार से भी वो मोक्ष मार्ग कहने में कब आते, जब वो सहचारी पना हो, माने वीतराग भाव हो तो उसके साथ होने वाला जो शुभ परिणाम है उसे वो मोक्ष मार्ग कहने में आता है, लेकिन वीतरागता ना हो शुभ भाव वो तो मोक्ष मार्ग नाम भी नहीं पाते। दर्शन के साथ ही वो पाए जा रहे भगवान के दरबार में नाम पाए जा रहे। कि पहली बात समझ में, दूसरी बात कि मोक्ष मार्ग में वीतराग भाव के साथ भी जो शुभ भाव पाया जा रहा है कि वह भी वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं, कि उस अवस्था में भी वह शुभ भाव बंद का ही कारण। ऐसा नहीं कि साथ साथ में चल रहा है इसलिए वो मोक्ष मार्ग हो गया। वस्तु व्यवस्था ऐसी है, वस्तु स्थिति ऐसी है कि जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग में ऐसे आगे बढ़ता है कि उसके वैसे शुभ परिणाम भी साथ साथ चलते हैं, होते हैं, करते नहीं होते। यदि कोई चौथे प्रस्थान में है तो अन्य अनिति के परिणाम उसको नहीं हो सकते। पांचवे गुणस्थान में है तो अणु रतों के पालन का भाव आता ही आता है। छठे सातवें गुणस्थान में हो तो छठे गुणस्थान में वो शुभ विकल्प 28 मूल गुणों के पालन का होता है। वो वस्तु स्थिति ऐसी, लेकिन उसका नाम मोक्ष मार्ग हो कि ऐसा नहीं। मोक्ष मार्ग में साथ साथ चलते हैं इसलिए मोक्ष मार्ग कह तो दिया जाता है, व्यवहार में कहा जाता है कि वो उतना ही व्यवहार है कि जैसे मामा के मित्र को भी मामा कह दिया जाता है, लेकिन वो मामा वो नहीं जाता। कि इसी तरह शुभ भाव को यद्यपि मोक्ष मार्ग कहा जाता है लेकिन वो मोक्ष मार्ग नहीं, वो शुभ भाव उस समय भी सुख का कारण है या दुख का कारण, दुख का कारण है, बंद है। कि उस समय भी वो शुभ भाव वो दुख का ही कारण, दुख स्वरूप है और दुख का ही कारण। कि आत्मा सुखी कैसे हो, कि अपने स्वभाव के आश्रय से जीव सुखी होता है, संयोगी भावों के आधार से, संयोगी भावों के आश्रय से जीव सुखी नहीं, नहीं। स्वभाव उस बाधा नहीं है, स्वभाव
बिल्कुल, कि उस समय भी वो जो सुख का अनुभव है जो स्वभाव के कारण सुख का अनुभव नहीं है, अपने स्वभाव के आश्रय से वो सुख का वेदन है, और जितना वो शुभ परिणाम है वह उस समय भी बंध का कारण होने से दुखमय ही। बात समझ में आ रही? माने यहाँ पे जो बात कही है कि संयोगी भाव आत्मा से सदा काल सर्वथा कैसे है, बाहर भिन्न, कि इसका अर्थ हुआ कि वे हमें सुखी करने में समर्थ नहीं। अभी शुभ भाव की बात तो दूर, अभी तो अशुभ भाव में भी हमें दुख बुद्धि कहाँ लगती है। कोई आपको कष्ट पहुंचा दे और हम उसको कष्ट ना पहुंचा पाए तो ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ, मैं उसको कष्ट बिना पहुंचाए भी सुखी हो सकता हूँ, ऐसा लगता है। यदि किसी ने मुझे कष्ट पहुंचाया है तो कम से कम उसका दोगुना हिसाब तो मुझे, और ऐसा करके मैं सुखी हो सकता हूँ। तो अभी तो मुझे यही लगता है कि वो अशुभ भाव से मैं सुखी होता हूँ, कि सामने यदि हिंसा की गई है तो उसका जवाब मुझे देना है, वो हिंसा में ही देना है। तो अभी तो हमारी सुख बुद्धि किसमें है? तो पाप क्रियाओं में सुख बुद्धि है, वो इंद्रिय के विषय भोगों को भोगने में ही हमारी सुख बुद्धि है, कि इंद्रियों को विषय, इंद्रिय के जो विषय भोग है उनको भोगने का भाव शुभ भाव है या पाप भाव? यद्यपि पुण्य के उदय में प्राप्त होते हैं लेकिन वो भाव कैसे है? शुभ कर्मों का फल विषय भोग, कि शुभ कर्मों का फल विषय भोग है लेकिन विषय भोगों को भोगने का भाव ये पाप भाव है, अशुभ भाव है, और हमारी सुख बुद्धि किसमें? पुण्य का उदय है, पुण्य का उदय नहीं है, पुण्य का क्षय है, उदय तो आया था, पुण्य का क्षय हो रहा है, पुण्य तो हर पल क्षीण हो ही रहा है, नहीं कमाई पाप, नहीं कमाई पाप, और निरंतर उसमें पाप का ही बंध हम कर रहे हैं। बराबर। और पाप का बंध क्यों होता है? क्योंकि पाप भाव है। माने पुण्य के उदय में भी जो विषय सामग्री प्राप्त होती है और उसमें सुख की कल्पना करना, ये पाप भाव, और उस पाप भाव से हम क्या समझते हैं कि मैं सुखी हो जाऊं, आनंद आता है। ये हम बात करते हैं पुण्य भाव को भी छोड़ने की, और यहाँ पाप भाव में अभी हमारी सुख बुद्धि बैठी हुई है। मतलब पाप को छोड़ने की बात तो बहुत दूर, अभी तो पाप में सुख होता है कि वो बुद्धि अभी बैठी हुई है। अभी तो यही श्रद्धा नहीं है कि पाप दुखमय है और दुख का कारण, माने अनादि काल से विषय भोगों में ही उलझकर मैं सुखी हो सकता हूँ, वो विषय भोगों को प्राप्त करने की इच्छा वो पाप है। और कदाचित यदि थोड़ा बहुत पुण्य कार्य भी करता है तो किसके लिए करता है? जो विषय सामग्रियों को ही प्राप्त करने के लिए करता है, मंदिर आता है, पूजन आदि करता है, स्वाध्याय आदि भी करता है, तो उसका लक्ष्य क्या है? कि ये सब पुण्य का कारण है और पुण्य के कारण होने से बाहर में सुख शांति प्राप्त हो, अथवा बाहर की चीजें व्यवस्थित हो, ये कौन सा भाव है? अभिप्राय में पाप ही बैठा हुआ है। माने शुभ क्रिया करते हुए भी यदि अभिप्राय यदि अभिप्राय है तो पाप, अभिप्राय में क्या बैठा हुआ है? तो क्रिया पाप बंद नहीं है, अभिप्राय नहीं है तो पाप, क्रिया ना पुण्य, क्योंकि लक्ष्य में क्या बैठा हुआ है? जो बाहर की सामग्री अनुकूल प्राप्त हो जाए,
बाहर में मेरी व्यवस्थाएं बन जाए, बाहर में शांति हो जाए, विषय भोगों की चाह वो पाप भाव है। माने पाप पाप को प्राप्त करने के लिए, माने विषय सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए पाप तो करता ही है, कदाचित शुभ क्रियाएं भी करता है तो वो पाप की पूर्ति के लिए ही करता है। अभिप्राय में खोट, लक्ष्य क्या है? तो बाहर की सिद्धि हो जाए, बाहर में अनुकूलता प्राप्त हो जाए, बाहर में सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाए, कि ये सब पाप भाव है। और पाप भाव होने से पाप बंध का कारण है। यहाँ पे लिखा समस्त संयोगी भाव कैसे हैं? कि आत्मा से बाहर है। तो यह निर्णय करना होगा कि जिन विषय भोगों की हम चाह कर रहे हैं कि वो भाव आत्मा से रहित, आत्मा से बाहर, और जो भाव आत्मा से बाहर है वो सुखी करने में समर्थ नहीं। पंचेंद्रिय के विषय भोगों का आत्मा में प्रवेश नहीं, और इसीलिए वे आत्मा को सुखी करने में समर्थ नहीं। स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, इनके जो विषय भोग है, विषय सामग्रियां है, इनकी विषय सामग्रियां क्या है? अरे दिन रात जिनको हम प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, वे सब इन पांच इंद्रिय के विषय भोग ही तो है। मकान धन संपदा के बंद के कारण सब इंद्रिया है तो वो पाप बंद के कारण, यदि बेपाप बंद के हो तो सबसे ज्यादा पाप का बंद तो चक्रवर्ती हो। बिल्कुल, जिन सामग्रियों को हम प्राप्त करने की इच्छा करते हैं कि वो कैसे है, तो वो आत्मा से बाहर, माने आत्मा को सुखी करने में समर्थ नहीं। तो उन भावों की इच्छा करना, उन भावों को प्राप्त करने की इच्छा करना, वो क्या है? कि पाप भाव ही, पाप भाव आत्मा से भिन्न भाव है, इसलिए वो आत्मा को सुखी करने में समर्थ नहीं। माने उन इंद्रिय विषयों के विषय भोगों से जीव दुखी ही होता है, उनको प्राप्त करने की जो इच्छा है वह दुख का ही कारण है, सुख का कारण नहीं। तो इसीलिए वो पाप का त्याग करना, कि पाप का त्याग क्यों करना? क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव नहीं। जो आत्मा का स्वभाव नहीं है वो आत्मा को सुखी नहीं कर सकता। स्वाध्याय को परम तप इसलिए कहा है कि शनिवार को मनुष्य वृद्धा भगवान की पूजा, रवि व्रत तो वो प्रार्थना की हमें पूजा क्यों कर रहे हो आप? उसका वर्ण सत्य पूरा को देव अवर्णमा जैसे धारा में तुम उनको राज बनाया, उसका बना तो सत्तर देव अवर्ण वाले सत्तर पूरा पूरी सागर का है और 2000 के लिए निकला है, कहाँ पूरे होंगे? निबोध नहीं होंगे, कहीं का नहीं होगा, परमानेंट स्थान है वो, या तो सिद्धालय है या निबोध। ज्ञानी कहते पारणा की पूजा तो करो पर अभिप्राय संकट हो जाए, लिखा है, लिखने में कोई गड़बड़ नहीं है, आप ये मानता है पारणा की पूजा करो उसका थोड़ी निषेध, तो जन्मणि में लिखा है सब भगवान 24 तीर्थंकरों की पूजा करो वो उसका थोड़ी नहीं, अभिप्राय आपका स्पेशली शनिवार को ही व्यापार को ही 24 घंटे करो ना पूजन पारणा, कोई दिक्कत क्या अभिप्राय? ये है देव का वर्णमा, उसका बंध सत्तर पूरा पूरी सागर दर्शन, वो पता नहीं है, पता नहीं है तो कोई माफ नहीं है, इसलिए स्वाध्याय को परम तप, स्वाध्याय करेगा तो सब ज्ञान में उसके आएगी, नहीं करता तो करता।
वस्तु स्वरूप तो एक ही है, सुखी होने का उपाय एक ही है, तो आत्म स्वरूप की सच्ची समझ होना, उसका निर्णय होना कि वही सुखी होने का उपाय है। बाहर में जितने भी सुभाषु विकारी भाव है वे सब संयोगी भाव है, अर्थात वो आत्मा को सुखी करने में समर्थ नहीं। सबसे पहले तो ये निर्णय करना कि जितने विकारी पाप भाव है वो आत्मा को सुखी करने में समर्थ नहीं। आत्मा को सुखी करने में समर्थ नहीं है अर्थात कि जो पंचेंद्री के विषय भोग है कि उनकी चाह वो आत्मा को सुखी करने में समर्थ नहीं, इसलिए उनकी चाह करना कि वो व्यर्थ है। कि व्यर्थ है अर्थात कि जो हमारा प्रयोजन है उसकी सिद्धि में वो कार्यकारी नहीं है, बल्कि और उल्टा करने वाले हैं। हम सुखी होना चाहते हैं वो उल्टा और बंध का कारण है, दुख को बढ़ा रहा है वो, और नरक निबोध का कारण है। तो विपरीत मार्ग है, विपरीत भाव है, माने आत्मा सुख स्वभाव है और वे सब कैसे हैं, विपरीत भाव अर्थात दुख स्वभाव, तो वो आत्मा को सुखी करने में समर्थ नहीं है। पहले ऐसे निर्णय हो कि फिर एक स्टेप और आगे बढ़ा जाए कि वो पुण्य भाव भी आत्मा को सुखी करने में समर्थ नहीं। कि जिस तरह वो पाप भाव जीव को संसार का ही कारण है, उसी तरह पुण्य भाव भी, शुभ भाव भी जीव को संसार का ही कारण है, मुक्ति का कारण नहीं। कि जिस समय जीव शुभ भाव में होता है कि उस समय अपने स्वरूप से दूर हो। मुनिराज भी छठवें गुण स्थान में आते हैं तो शुद्धोपयोग से बाहर आते हैं, माने आत्म स्वरूप से दूर होते हैं, माने वो शुभ भाव वो आत्म स्वरूप में साधक नहीं, वो आत्म स्वरूप में बाधक ही, वो आश्रम भाव है, आश्रम भाव दुख का ही कारण। ऐसा निर्णय करना, वो निर्णय कब होगा कि जब वो सच्ची समझ हो मेरा क्या स्वरूप है और मेरा क्या स्वरूप नहीं, कि ऐसा जब भेद विज्ञान होगा तभी वो वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ हो सके। देखिए संयोग से अर्थात द्रव्य कर्म के संबंध से जो देहादिक भावों का पदार्थों का मेरे साथ संबंध प्राप्त हुआ है वह सब मुझसे सर्वथा द्रव्यादि प्रकार से अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, किसी भी द्रव्य की बाउंड्री होती है तो इन चार चीजों से बनती है, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये हमारी सीमा है। कि हर द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में ही रहता है, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव, ये हर द्रव्य की अपनी अपनी सीमा है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि वह सब मुझसे सर्वथा द्रव्यादि प्रकार से बाही अर्थात भिन्न है, माने संयोगी भाव मेरे स्वचतुष्टय से बाहर, माने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव इनमें संयोगी भावों का प्रवेश नहीं है, नहीं संयोगी भावों का इनमें प्रवेश नहीं है, इसलिए वे सारे भाव कैसे हैं कि मुझसे बाहर, आत्मा से बाहर, तो आत्मा से बाहर है इसलिए वे आत्मा को सुखी करने में समर्थ नहीं। यदि सुखी हुआ जा सकता है तो वो अपने स्वचतुष्टय के आधार से ही हुआ जा सकता है। स्वद्रव्य कि स्वद्रव्य अर्थात कि मैं जीव द्रव्य चैतन्य द्रव्य हूँ, कि स्वक्षेत्र कि मेरा क्षेत्र किरणा जो असंख्यात प्रदेशी वो ज्ञान में मेरा जो क्षेत्र है कि वही मेरा स्वक्षेत्र है, कि स्वकाल कि हर समय वो जानने जानने रूप ही मेरा परिणमन होता है, जो राग द्वेष रूप मेरा परिणमन नहीं, वो ज्ञान ही मेरा स्वकाल है, ज्ञान रूप ही परिणमन वो मेरा स्वकाल है, और मेरा स्वभाव जो ज्ञान दर्शनमय ही मेरा स्वभाव है, माने ये कि ज्ञानमय ही मैं हूँ,
कि मेरी सीमा कहाँ तक, जो ज्ञान मैं ही मैं हूँ, वो ज्ञान दर्शन में चैतन्य तत्व ही मैं हूँ, और ऐसी समझ, ऐसी निर्णय और ऐसे अनुभव का नाम ही मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन किसका नाम? जो मेरा स्वरूप है उसके श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान, जो मेरा स्वरूप है उसके सम्यक ज्ञान का अर्थ ही सम्यक ज्ञान। और सम्यक चारित्र, जो मेरा स्वरूप है उसी स्वरूप का अनुभव, उसी स्वरूप में लीनता, वो सम्यक चारित्र। मान इस पूरी प्रक्रिया में कहाँ पर की आवश्यकता है, कहाँ संयोगी भाव की आवश्यकता है, कहाँ पर भाव की आवश्यकता है? माने प्रत्येक द्रव अपने स्वचतुष्टय में रहता है, ये बताकर ये सिद्ध किया कि हर द्रव्य स्वतंत्र है और हर द्रव्य अपने सुखी होने में समर्थ है और स्वतंत्र है। माने सुखी होने में कहीं भी परतंत्रता नहीं, क्योंकि संयोगी भाव वो आत्मा से भिन्न भाव, बाहर में जो कुछ भी होता है वो आत्मा को दुखी करने में समर्थ नहीं। जीव सुखी होने के लिए परिपूर्ण रूप से स्वतंत्र है और सुखी हुआ जा सकता है। विशेष चर्चा पर अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप निज में बता Yeah.